नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, धनतेरस का पर्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्रता के साथ मनाया जाता है। धनतेरस पर आज हम आपको बताएंगे कि आपको धनतेरस के दिन कौन से काम करने से आपके घर में शुभता आएगी। ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से आपके घर में धन और समृद्धि होगी और आप मालामाल हो जाओगे। जी हां दोस्तों, आप यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखते रहें और जान लें कि आने वाली इस धनतेरस में और दीपावली के पावन अवसर पर आपके घर में खुशहाली आ जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह आज का वीडियो आखिर तक जरूर देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप हमारे चैनल टोटल ज्ञान पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो, माता रानी आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दे और आपको धन दौलत से आपके घर और आपके खजाने भर दे, तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस का जो पर्व है वो शुभता के साथ साथ आपके घर में धन दौलत लाने का काम करता है। आचार्य चाणक्य जी जो एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है, उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बताया है कि धनतेरस के दिन अगर आप यह काम अपने घर में कर लेते हैं तो आपका घर पैसों से भर जाएगा, आपके घर में कभी भी तंगसी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन खरीददारी का अति विशिष्ट महत्व है। ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में कि इस दिन खरीदी गई चीजें दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि करती हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। 5 दिवसीय दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों और कर्षण वाणी के अनुसार कहा गया है कि इस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था, इसी कारण से इस दिन धनतेरस का त्यौहार हिंदू लोग मनाते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस को धन्वंतरी जयंती और धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दोस्तों, धनतेरस से ही 3 दिन तक चलने वाला गोत्री रात व्रत भी शुरू होता है। धनतेरस के दिन खरीदारी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में आचार्य चाणक्य जी भी कहते हैं कि जो लोग धनतेरस के दिन इन चीजों को अपने घर में लेकर आते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी खुद विराजमान हो जाती है। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी कपड़े बर्तन और कोई बड़ा व्हीकल्स यानी कि साधन खरीदना बेहद पसंद करते हैं। कहते हैं कि जो चीज धनतेरस के दिन खरीदी जाती है उसमें माता लक्ष्मी अपनी कृपा डाल देती है और माता रानी की कृपा से वह चीज दिन दोगुनी रात चौगुनी फलदायक साबित होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस में किन चीजों को करने से आपको ज्यादा लाभ होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप इन चीजों का दान अवश्य करें। धनतेरस के दिन आपको चीनी, पताशा, खीर, चावल और सफेद कपड़ा आदि चीजों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को दान करने से धन की कमी नहीं होती और जमा पूंजी बढ़ती है और आपके घर में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आप इन चीजों का दान अवश्य करें। वहीं दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी और भगवान श्री कृष्ण की कृष्णवाणी कहती है
कि आप धनतेरस के दिन अपने बही खातों को नया करें। जो लोग बही खातों का उल्लेखा जोखा रखते हैं वो लोग, खास करके व्यापारी और जिन घरों में लेन देन के लिए खाता बही इस्तेमाल होती है, वो धनतेरस के दिन खाता बही बदल लें, जिससे खाता बही नया लगाने से आपके घर में माता रानी का आगमन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि आप धनतेरस के दिन गरीबों को दान अवश्य दें, जरूरतमंद को उसके जरूरत के मुताबिक वस्तु देने से आपको इसका फल दोगुना मिलता है। और कहते हैं कि शरीर की पवित्रता सबसे बेहद जरूरी है। चाणक्य जी कहते हैं कि धनतेरस की रात को पति पत्नी आपसी संबंध ना बनाए तो अच्छा है। धनतेरस माता रानी का एक खुश करने वाला त्यौहार है। इस रात अगर आप पवित्र रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और आपके घर की दरिद्रता और गरीबी को आपके घर से निकालने का काम करेंगे। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आप दीप दान भी जरूर करें। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीप दान किया जाता है वहां अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती। दीप दान करने वाले घरों में माता का आगमन होता है और आप अपने घर की गरीबी और दरिद्रता को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन पंच देवों की आपको पूजा भी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि के साथ साथ देवी मां लक्ष्मी, कुबेर और यम और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है, इसलिए आप अगर अपनी माता रानी को खुश करना चाहते हैं तो पंच देवों की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। पंच देवों की पूजा करने से पांचों देव आपके ऊपर मेहरबान होंगे। धनतेरस के अति अवसर और पावन और शुभ त्यौहार के दिन माता रानी का आगमन आपके घर में हो जाएगा। दोस्तों, दीपावली का पर्व आपके घर में खुशियां लाने का काम करता है। अगर आप दीपावली के पावन अवसर पर अपने घर में माता रानी का आगमन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी और दरिद्रता ना आए और आपके घर में धनतेरस के दिन माता रानी धन की वर्षा करे, तो आपको अपने घर में ये काम जरूर करने होंगे, जिनसे माता रानी आपसे खुश हो जाएगी और आपके घर के खजानों को भरने का काम करेगी। तो दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखते हैं और धनतेरस के दिन माता रानी का आगमन चाहते हैं तो माता रानी को कभी भी रुष्ट ना करें। माता रानी आपसे खुश रहेगी और आपके घर के खजानों को भरने का काम करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमारे आज की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।